तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है भद्रवाही कल्चर, भद्रवाही कोट, भद्रवाही मेला जो है वो जोरों शोरों से जो है लगा हुआ है। आप बैकग्राउंड में सुन रहे होंगे यहाँ पे, इसको जो है हमारी भाषा में ढौंस कहते हैं, इसको हमारी भाषा में जो है भानो कहते हैं, इनको बेंग कहते हैं, और ये भी ढौंस, और जो जब ये छमके लगती है इसको छमके कहते हैं। आप देख रहे हैं नागनी माता के जो ये बलारी है, नागनी माता जो कि मंथरा भद्रवाह में माता रानी का प्राचीन काल से जो है माता रानी का स्थान है, वहाँ के ये बजंतरी हैं। यही बजंतरी जो है यहाँ पे भी जाई वैली में भी आके जो है माता रानी के जो राग्स हैं वो यहाँ पे लगाते हैं, और माता रानी के भक्तजन जो हैं इन रागों पे नाच के जो है माँ भगवती की जो हाजिरी है वो जो है वो लगाते हैं। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे श्री, अभी जो है हम यहाँ पे बात करेंगे सुशील भगत जी के साथ। आप इनको जो है इनका परिचय देना जो है, भद्रवाह के वासी भली भांति जो इनको जानते हैं वीडियो के माध्यम से, काफ़ी सारी कॉमेडी की वीडियोस और बड़ी सारी मॉरल वाली वीडियोस जो है वो ये बनाते हैं। इनके इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे जो मेला लगा है वो कितना खास मेला जो है यहाँ पे लगाया जा रहा है। धन्यवाद मोहित जी एंड जय शिव शंकर। हमारे आज जाई वैली में हर साल, मतलब ये वाला मेला पिछले 10 साल से कंटिन्यू लग रहा है। यहाँ पे शिव जी का एक विशाल मंदिर जो है, विशाल भव्य मंदिर जो है तैयार होने जा रहा है। हर साल मैं आपके माध्यम से भी बता दूं, हर साल 20 जून को यहाँ पे मेला लगता है और बहुत अच्छा मेला लगता है, जहाँ इस मेले को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। अपने चिंता के लोग तो आते हैं, लेकिन इंटायर डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोग जो हैं इस मेले को देखने आते हैं। और वैसे भी हमारा जाई वैली जो है एक भद्रवाह में सबसे प्यारा डेस्टिनेशन है, उस लिहाज से भी और कल्चरली हमारा भद्रवाह जो है, भद्रवाह की शान जो है ये हमारे ये कल्चर, ये मेले। और मैं ये कहूँ कि अगर आपको भद्रवाह का कल्चर, भद्रवाह का अगर आपने कस्टम देखना है तो भद्रवाह के मेले जो हैं बहुत मशहूर हैं। सुशील जी, आपको कितनी त्रुटियां जो हैं वो लगती हैं अपने कल्चर में? आपकी भी अभी एज काफ़ी है, आपने अपने बचपन में क्या देखा और अभी आपको कितना त्रुटियां लगती हैं कि कितना जो है डिफरेंस जो है कल्चर में हुआ है? मुझे देखिए, जैसा कि मैंने कहा, जब आप मेले की ओर निकलते हैं, आप मेले देखने आते हैं ना, तो आपके साथ में आपकी माताएँ हैं, आपके साथ आपकी बहनें हैं, बच्चे हैं, तो एक आप श्रद्धा भाव से मंदिर में आते हैं, आपके अंदर श्रद्धा है, आपके अंदर आस्था है, सनातन धर्म है, आप उसको मानते हैं, तभी जाके आप मंदिरों में आते हैं, हवन करते हैं, पूजा करते हैं, लंगर चलते हैं। ये देखिए ढोंस के ताल, ढोंस के ताल देखिए आप कितनी प्यारी ध्वनियाँ हैं, है ना, मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं एक पॉजिटिव के साथ, मतलब। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ें हमें निराश करती हैं, मतलब आप कोई ऐसा मेला नहीं होगा जहाँ पे आपको कुछ लोग जो हैं वो मदिरा जो है वो करके आते हैं, मदिरा का सेवन करके आते हैं, वो बहुत गलत है, उससे एक नेगेटिव मैसेज जो है वो समाज में जाता है। यानी कि आपका कहना ये है कि जो लोग मदिरा पान करके जो है मेलों में आते हैं उससे जो है मेलों का जो रौनक है वो कम हो जाती है? बिल्कुल, देखिए हमारे बच्चे, हमारी माताएं, हमारी बहनें, मतलब अपब्रिंगिंग जो जनरेशन है वो क्या सीखेंगे, मतलब वो क्या मैसेज या फिर वो क्या सीखेंगे इन चीज़ों से? मतलब आए नाचे गाएँ, आप लंगर खाएँ, जो आपकी श्रद्धा है वो करें आप, लेकिन कम से कम आपके मीडियम के थ्रू, आपका मैं खुद भी चैनल देखता हूँ, काफ़ी ज़्यादा आपके व्यूवर्स हैं और आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल होती हैं, ये एक अच्छे टॉपिक पे आपने मेरे साथ बात की। कम से कम आपके मीडियम के थ्रू मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि कम से कम जब भी आप लंगर में आते हैं, जब भी आप मंदिर में आते हैं, आस्था के साथ आते हैं, कम से कम मदरा और नशा करके ना आए। सबसे बड़ी बात, अगर आप नशा करके नहीं आते हैं तो देखिए इन इन हमारे मेलों में और चार चांद लगेंगे। तो सुशील जी, और कौन सी आपको लगती हैं कि त्रुटियां जो कि जाई वैली में या और किसी हमारे विभाग में, विभाग की वजह से जो कि विभाग को वो करना चाहिए था वो आप देखिए, एक्स सरपंच भी जो हैं वो रह चुके हैं चिंता के, तो आपको आपको काफ़ी नॉलेज है इस बारे में कि क्या क्या जाई वैली में होना चाहिए या भद्रवाह के लिए कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो भद्रवाह में जिन चीज़ों की कमी है वो होनी चाहिए। आप एक्स सरपंच भी रह चुके हैं, तो आप आपके नज़र में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं कि ये होना चाहिए था जाई वैली में, भद्रवाह में, या रोड को लेके आपको क्या क्या लगता है कि? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा, इवन कि शायद कल हमने इस बारे में डिस्कशन भी की थी कि कम से कम देखिए आज की डेट में, आज 20 जून है, आज यहाँ पे बहुत बड़ा मेला था, आज अगर यहाँ 5,000 लोग आए तो ये कम से कम 20 या 25,000 भी हो सकते थे अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे गाड़ियाँ
अगर गाड़ियों की सर्विस यहाँ होती ना, बहुत सारे लोग हैं। देखिए मेरे पास साधन है, मैं मेरे पास गाड़ी में लेके आ गया, आपके पास गाड़ी आप लेके आ, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की कोई आपको हेल्प नहीं है यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन आपका साथ नहीं दे रहा। यस एग्जैक्टली, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गाड़ी होनी चाहिए, कम से कम 4-5 बसें आज की डेट में होनी चाहिए, और उसके अलावा एज यूजुअल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत सारे लोग इन डेस्टिनेशन पे आना चाहते हैं, बाहर से टूरिस्ट जो आते हैं वो आना चाहते हैं। अगर कंटिन्यूसली सर्विस हो इन डेस्टिनेशन पे, हमारा जाया हो गया, हमारा पदरी हो गया, जितने भी डेस्टिनेशन हैं, गाड़ियों की सर्विस होनी चाहिए। और खास करके जिन दिनों में मेले होते हैं, आज जैसे कि यहाँ पे मेला था, कल इंटरनेशनल योगा डे जो है हमारे जाई वैली में सेलिब्रेट किया जा रहा है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे अगर बसें होती तो ये तादाद जो है और ज़्यादा हो सकती, कम से कम जो है मेरा आपके मीडियम से ही एडमिनिस्ट्रेशन को ये मेरी रिक्वेस्ट भी रहेगी और ये एक सुझाव ज़रूर रहेगा कि आपका ट्रांसपोर्ट जो है वो यहाँ होना चाहिए ताकि लोग जो आ जा सके। सुशील जी, आज 20 जो है 20 जून है और कल 21 जून है, कल इंटरनेशनल योगा डे भी है, तो कल सुनने में आया कि जाई वैली में काफ़ी बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का कितना अपने प्रोग्राम्स में कितना योगदान जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन देती है, और जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं उसमें कितना योगदान जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन देती है, क्या जितने प्रोग्राम्स जितने अपने मैं पर्सनली कहूँगा, यानी कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपने प्रोग्राम्स और जो कल्चरल प्रोग्राम भद्रवाह में होते हैं, मेला पट हो गया, कैलाश यात्रा हो गई, आशापति यात्रा हो गई, मालसा का मेला, बैसाखी का मेला, बहुत सारे जो हैं कल्चरल इवेंट्स जो हैं प्राचीन काल से भद्रवाह में जो हैं वो लगते हैं, क्या उनमें जो आज प्रोग्राम हुआ, आज 20 जून और कल 21 जून, क्या 21 जून के प्रोग्राम में और 20 जून के प्रोग्राम में बराबर का एडमिनिस्ट्रेशन अपना हाथ देती है या अपने प्रोग्राम्स में ज़्यादा हाथ उनका रहता है? देखिए मोदी जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था, आज 20 जून है, आज मतलब पब्लिक की तरफ से ही एक कल्चरल इवेंट है, इसमें पब्लिक का ही बड़ा ज़्यादा योगदान रहता है, लंगर जो है वो पब्लिक की तरफ से लगा है। मैंने सिर्फ एक चीज़ कही कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में ये चीज़ थी कि यहाँ पे अगर आज बहुत बड़ा मेला होने जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन थी कि अगर गाड़ियाँ होती, अगर फ्री में यहाँ पर गाड़ियों की सर्विस होती तो वो बहुत बढ़िया था। अब हम कल देखेंगे, देखिए कल का बहुत बड़ा इवेंट है, मैं डीसी साहब का आपके मीडियम से शुक्रिया भी करूंगा कि इस प्रोग्राम की वजह से जो इंटरनेशनल योगा डे यहाँ पे सेलिब्रेट होने जा रहा है उसकी वजह से भी भदवा के टूरिज्म को मतलब बूस्ट बढ़ावा मिलेगा, और यही चीज़ें यही स्टेप्स हैं, मतलब अगर लेके चलें आप, जैसे आपका विंटर में आपका फेस्टिवल हो गया, बहुत बूस्ट मिलता है इन चीज़ों से, समर में हम और एक्सपेक्ट करें कि समर में एक और फेस्टिवल जो है जाई में हो या फिर पदरी में हो, कहीं भी हो, लेकिन एक समर में फेस्टिवल होना चाहिए, उससे जो है टूरिज्म को बूस्ट मिलता है। बाकी बढ़िया है, ये हमारा और आपका भी फर्ज बनता है कि भद्रवाह का टूरिज्म जो है, भद्रवाह के ये कल्चर जो लेकिन है। लेकिन सुशील जी, आप शायद मुद्दे से भटक गए, जो मैंने आपको सवाल पूछा आपने उसका प्रॉपर जवाब नहीं दिया, क्या एडमिनिस्ट्रेशन अपने प्रोग्राम्स और जो कल्चरल प्रोग्राम्स प्राचीन काल से भद्रवाह में होते हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन बराबर का संयोग अपने प्रोग्राम्स और प्राचीन काल के जो प्रोग्राम्स है, प्राचीन काल के जो हमारे मेले लगते हैं, क्या उनमें बराबर का संयोग देती है या अपने प्रोग्राम्स के लिए? देखिए फ़र्क है, अगर मेरे और आपके बीच में ये डिस्कशंस हो रही हैं ना, तो मेरे और आपके नोट्स में ये चीज़ें हैं कि कहाँ कहाँ हमें लगता है कि कमियाँ हैं। अगर मैं और आप कमियाँ डिस्कस करेंगे, जैसे पहले हमें लगा कि ट्रांसपोर्ट होने चाहिए थे, देखिए हम कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट होने चाहिए, और ये बात जब एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में जाएगी तो ज़रूर होगा और हमें ये फॉलो भी करना है, और कोई डिफिशेंसीज या और कमियाँ हमें लगेंगी तो हम कहेंगे पहले। लेकिन अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, देखिए इसमें कोई दोहराई नहीं है, अब वो इंटरेस्ट ले रहा है कंपेयर पहले, अब इंटरेस्ट ले रहा है, और मैंने वही कहा ना, जब मैं और क्या आप मुझे बताएं कि क्या हमारे जो ये जो हमारा जो फोक म्यूजिक है, क्या इसको काफ़ी बढ़ावा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिल रहा है या इसको अभी भी जो है स्टेज के पीछे ही रखा जाता है, या इसको ये बैकग्राउंड में चल रहा है या स्टेज ऑन स्टेज चल रहा है हमारा जो मोहित जी, मैं इसी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं इसी रिगार्डिंग मतलब आपने जो मुझे पूछा ना,
दो चार दिन पहले कश्मीर यूनिवर्सिटी से कुछ बच्चे आए थे जी, कुछ जी। बच्चे आए थे मतलब वो इस चीज़ में सर्वे करने आए थे, भद्रवाही लैंग्वेज में वो सर्वे करने आए थे, है ना। तो ये एक अच्छी खुशखबरी हमारे लिए है कि पहले हर चीज़ पे सर्वे होती थी, भद्रवाही लैंग्वेज पे लड़के आके सर्च नहीं करते थे, वो इस बार भद्रवाह में आके घूमे हैं। कम से कम 30-40 मेरे ख्याल में 100-150 बच्चों का वो ग्रुप था, उन्होंने यहाँ आके भद्रवाही लैंग्वेज पे सर्च किया है कि भद्रवाही लैंग्वेज को और कितना अपग्रेड किया जा सकता है। तो ये आपके लिए हमारे लिए अच्छी बात है, आज भद्रवाही लैंग्वेज पे चर्चा हो रही है, कल को इन मेलों पे, इस कोट पे। वैसे भी हमारा कोट जो है थ्रू आउट, मतलब हमारा कोट जो है थ्रू आउट इंडिया जो है वो पॉपुलर है, और ये और ज़्यादा पॉपुलर होगा। इसमें मेरा आपका भी सहयोग होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी लेवल पे कर रही है, मैं और आप जब बात करेंगे तो वो बात एडमिनिस्ट्रेशन तक जरूर जाएगी और एडमिनिस्ट्रेशन इस पे जरूर जरूर जो है वो अपना सहयोग देगी। अभी आपने बात की सुशील भगत जी से, जो कि एक्स सरपंच चिंता के भी रह चुके हैं और काफ़ी फैन फॉलोइंग जो है इनकी सोशल मीडिया पे है, यूट्यूब पे इनका काफ़ी जो है, आप अपने यूट्यूब का जो आपका चैनल का नाम है वो भी बता दीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल अलग से है, वो सुशील भगत के नाम से है, और मेरा फेसबुक पेज अलग से है, वो सुशील भगत का भद्रवाही एक्सप्लोरर है। तो आप जरूर आके विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मोहित जी भी बड़ा अच्छा काम करते हैं। मैं खुद मतलब पर्सनली मैं इनके वीडियोस बहुत पसंद करता हूं, और ये भी अपने आप कोशिश करें, देखो इनकी अपनी तरफ से कोशिश है, मेरी अपनी तरफ से कोशिश, और ले दे के हमारी यही कोशिश है कि भद्रवाह का कल्चर, भद्रवाह की लैंग्वेज जो है वो थ्रू आउट इंडिया जानी जाए। थैंक यू सो मच। तो आपने सुशील जी से अभी बात की, उन्होंने अपने जो विचार थे वो आपके सामने प्रकट किए, आपको ये हमारी जो वीडियोस है वो जो जो इनके सवाल थे, जो इनके जवाब थे, वो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। आप ये जो वीडियो है वो देख रहे हैं फेयर वॉइस के माध्यम से, मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।